Hi guys, welcome back to my channel and welcome back to new video. So आज की video थोड़ी सी अलग होने वाली है. Today I'll be sharing random things which everyone must at least try once. So कुछ ऐसे products हैं जो मैं बहुत ज़्यादा use करती हूँ and ये वाले products मैंने इतने ज़्यादा use किए हैं कि अब मैं आप लोगों को कह सकती हूँ कि आप लोगों को definitely एक बार तो try करने चाहिए. So बिल्कुल random है, कोई category ऐसे as such नहीं है. 5-7 products हैं which I actually swear by. Okay, सबसे पहले तो the newly launched Maybelline Sky High Mascara है. I know इसकी बहुत ज़्यादा promotions चल रहे हैं, but honestly guys, ये मैंने खुद से try किया and I used to use that L'Oreal का mascara, I don't know, कुछ एक Sky High type सी mascara होता था and that used to be for around 800 rupees and ये वाला mascara actual में उसका dupe है and this is so good you guys, actual में उससे ज़्यादा better है and इससे आपकी volume बहुत ज़्यादा हो जाती है eyelashes की and बहुत ज़्यादा thick लगती है, like जिसकी eyelashes इतनी खराब हैं उसके लिए बहुत अच्छे. यू गाइस कैन सी अभी भी मैंने इसी को यूज किया और मेरे eyelashes दिख रही हैं. सो दिखना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. इसका MRP वो 799 एंड हमें ये मिला है 495 ओनली. दिस इज सो चीप यू गाइस, अगर देखा जाए इसकी क्वालिटी के हिसाब से तो बहुत अच्छा प्राइस है. सो दिस इज समथिंग विच यू मस्ट ट्राई इफ यू आर अ मस्कारा पर्सन. ओके, उसके बाद टोटल रैंडम चीज है ये. सो दिस इज बॉम्बे शेविंग का शेविंग फोम. नाउ दिस इज फॉर सेंसिटिव स्किन ओनली एंड दिस इज ओनली फॉर वेमेन. नाउ इसका फॉर्मूला इतना ज्यादा क्रीमी है एंड आई एब्सोल्युटली लव इट. इसको लगाने से वो जो टाइनी बम्स होते हैं ना वो नहीं होते हैं, बड़े आराम से शेव हो जाता है. मतलब मैं तो बिल्कुल वैक्स नहीं करती हूँ. वॉट आई डू इज मैं अच्छे से बॉडी स्क्रब यूज करने के बाद इसको लगाती हूँ. लगाने से पहले एक बार इसको ना ऐसे 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 शेक कर लिया करो, बिकॉज थोड़ा सा वाटर कंसिस्टेंसी होती है तो वो फोम जल्दी बाहर आ जाएगा. जैसे ही आपने इसको शेक कर लिया उसके बाद अपनी बॉडी पे लगाओगे एंड उसके बाद रेजर से आप उसको शेव करोगे एंड ऑनेस्टली गाइस आपकी स्किन इतनी स्मूथ दिखती है. मैंने इसको जब से यूज करना स्टार्ट किया ना, मैंने कट्स लगने बंद हो गए हैं. पहले क्या होता था, मैं जब भी यूज करती थी तो मेरे इतने कट्स होते थे एंड बहुत पेनफुल होता था. बट दिस इज सच अ रियली गुड प्रोडक्ट एंड यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन टू दिस. ओके, सो अब 2-3 प्रोडक्ट्स मैं आपको हेयर के दिखाने वाली हूँ, क्योंकि रिसेंटली मुझे ना बालों का बहुत ज्यादा चस्का चढ़ा हुआ है उसकी केयर करने का, मास्क लगाने का, ऑयल लगाने का. सो मैंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिनको यूज करके देखा है एंड मेरे बालों में थोड़ा सा फर्क पड़ा है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. सो पहले दो प्रोडक्ट्स तो सेम ब्रांड से हैं. दीज आर टू शैम्पूज फ्रॉम द ब्रांड रिक्विल. नाउ इस ब्रांड का मैंने और कुछ ट्राई नहीं किया, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बट मैंने ये दो शैम्पूज ट्राई किए हैं. नाउ द फर्स्ट वन इज द डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू. नाउ दिस इज इच फ्री फॉर हेल्दी स्कैल्प एंड लॉन्ग लास्टिंग. अगर आपको एक्चुअल में डैंड्रफ है एंड बहुत इची स्कैल्प होती है, इसको यूज करने से डैंड्रफ कम हुई है. मैंने इसको खुद देखा है. पहले क्या होता था, मेरे वो जो व्हाइट फ्लेक्स होते थे ना बहुत ज्यादा दिखते थे, बट मैंने इसको शायद 2-3 मंथ्स यूज करके देखा एंड मेरे डैंड्रफ में फर्क पड़ा है. सो इसीलिए मैं आप लोगों को रेकमेंड कर सकती हूँ, डेफिनेटली इसको ट्राई करना. इसका MRP 525 का है बट ये मुझे 323 का मिला है. नाउ सेम दूसरा है, दिस इज ऑल्सो फॉर 525 एंड 393 का मुझे मिला है. दिस इज फॉर हेयर फॉल. अगर आपको हेयर फॉल है तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हो, अगर आपको डैंड्रफ है तो आप ये ट्राई कर सकते हो. मुझे दोनों है तो मैं कभी ये ट्राई कर लेती हूँ, मैं कभी ये ट्राई कर लेती हूँ. दोनों बहुत अमेजिंग है एंड बहुत अच्छी क्वालिटी है. सो डेफिनेटली ट्राई दीज वन आउट. उसके बाद लास्ट हेयर की चीज है, विच इज दिस ब्यूटी एंड प्लैनेट का अनियन ब्लैक सीड ऑयल हेयर फॉल कंडीशनर. क्योंकि मैंने आपको बोला मुझे हेयर फॉल और डैंड्रफ दोनों है, सो मैं उसी के अराउंड ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ जो उसके लिए हेल्प हो. ना इसको यूज करने से सबसे पहले मैंने यही देखा है कि मेरी हेयर फॉल कम हो रही है एंड ब्रेकेज नहीं होती है. मोस्टली क्या होता था, मेरा स्कैल्प से बाल टूट जाते थे, इसको यूज करने के बाद बाल टूटते नहीं है. लाइक ऑब्वियसली जीरो नहीं हुआ है हेयर फॉल, बट कम हो गया है. सो डेफिनेटली ट्राई दिस वन आउट. इसका MRP वाज 400 एंड मुझे ये 240 रुपीस का मिला है, विच इज लाइक सच अ ग्रेट डील. एंड लास्ट रैंडम चीज विच इज दिस ऑर्गेनाइजर. नाउ ये एक्चुअल में मैंने अपने मेकअप वैनिटी के लिए मंगाया है, बट आप इसको किचन में भी यूज कर सकते हो, बाथरूम में भी यूज कर सकते हो, ज्वेलरी के लिए भी यूज कर सकते हो. मुझे अपने मेकअप प्रोडक्ट सारे सॉर्ट करने हैं इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया है, बट बाथरूम में भी आप इसको आराम से अगर अपना स्किन केयर वगैरह लगाना है, रखना है, वो सब के लिए यूज कर सकते हो. इसका MRP था 1999 बट ये हमें मिला है सिर्फ और सिर्फ 699 का. मोर देन 65% डिस्काउंट है इस पे एंड इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अमेजिंग है एंड ट्रांसपेरेंट है, तो आप इजीली अपने प्रोडक्ट्स को देख सकते हो. सो दीज वर लाइक फ्यू रैंडम थिंग्स जो कि मैं बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ एंड आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती थी इस
वीडियो का कोई ऐसा पर्पस नहीं है, बट आई रियली वॉन्टेड टू मेक अ रैंडम वीडियो जिसमें मैं रैंडम प्रोडक्ट्स शेयर कर पाऊँ। एंड ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने अमेजोन से ऑर्डर किए हैं, आप लोग भी चेकआउट कर लेना, लिंक्स मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, डोंट फॉरगेट टू चेकआउट। एंड क्योंकि फेस्टिवल सीजन है तो आप लोगों को कोई ना कोई डिस्काउंट सेल ऑफर्स डेफिनेटली मिल जाएंगे। आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, लव यू, टाटा गाइज।